नमस्कार फ्रेंड्स, हैंड पेंटेड टी शर्ट्स कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। हम फैब्रिक कलर यूज़ करते हैं जो आपको इजीली किसी भी स्टेशनरी शॉप से अवेलेबल हो जाएगा। इसका प्राइस 20 रुपीज़ है। ये वाटरप्रूफ कलर होते हैं, आप इसे इजीली वॉशिंग मशीन में भी वॉश कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसका हम रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। हम इसमें 6 नंबर का फ्लैट ब्रश यूज़ करते हैं। इसका प्राइस 40 रुपीज़ है और यह अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। सबसे पहले हम एक कॉटन की प्लेन टी शर्ट्स पर लोटस स्केच कर चुके हैं, जो हम आज बनाएंगे। ब्लैक टी शर्ट्स पर हमें 3 कोट करने पड़ते हैं, जिसका हम सबसे पहले कोट रेड कलर से कर रहे हैं और थोड़ा बहुत हम ऑरेंज भी इस पर यूज़ करेंगे कहीं कहीं पर। अब हमारा फर्स्ट कोट कंप्लीट हो चुका है। एक बात और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हर 2 मिनट के बाद हमें ब्रश को वाटर में वॉश करना होता है, जिससे ब्रश का जो टाइम पीरियड रहता है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है। इसके बाद हम एक रफ कपड़े से इसे अच्छे से साफ करेंगे। अब हम इस पर सेकंड कोट करेंगे, सेम प्रोसेस रेड और ऑरेंज कलर से। एक ही जगह पर हमें कई बार ब्रश चलाना होता है, जिससे कलर अच्छे से फिल हो जाए सब जगह। देखिए, हमारा अब सेकंड कोट कंप्लीट हो चुका है। लेट्स स्टार्ट थर्ड कोट। ब्राइटनेस के लिए हम ऑरेंज कलर यूज कर रहे हैं। और इसे थोड़ा हाईलाइट करने के लिए हम थोड़ा सा शैडो और वाइट कलर से दे देंगे, लाइक दिस, कहीं कहीं पर। सेम प्रोसेस हमें यहाँ पर भी करना है। Now our hand painted t-shirts is ready. Friends, आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।